प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर जीपीओ ऑफिस में पार्सल पैकेट में हुआ विस्फोट, पार्सल में ज्वलनशील पदार्थ होने की जानकारी, पुलिस की जांच जारी। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने शरद पवार से की मुलाकात, राष्ट्रपति चुनाव पर हुई चर्चा, बैठक को लेकर शरद पवार ने ट्वीट कर दी जानकारी। और सुप्रिया सुले ने महिलाओं के साथ मनाई वटपूर्णिमा, महिलाओं के साथ सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र की परंपरा को बनाए रख कर लिए उखाने। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर जीपीओ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पार्सल में आए पैकेट में स्फोट हो गया। ये पार्सल नासिक से आया था। स्फोट में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। वो पार्सल नासिक से देवली वर्धा में भेजा जा रहा था, जिसपे कोई ज्वलनशील पदार्थ होने की संभावना के चलते उसकी हैंडलिंग करते समय छोटा सा स्फोट हुआ, लेकिन उससे किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। जानकारी मिलते ही पुलिस के बीजीडीएस पथक, आरसीपी, पुलिस स्टेशन का स्टाफ और वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच आरंभ की, जिसमें पता चला कि उस पार्सल में फास्फोरस जैसे पदार्थ की वजह से स्फोट हुआ था, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। आज संध्याकाळी सुमारे 5:30 दरम्यान घडलेली ही घटना आहे। या ठिकाणी एक पार्सल नाशिकवरून आलेलं होतं, जे देवळी वर्धा या ठिकाणी पाठवण्यात येत होतं, तर त्यामध्ये बहुधा काही ज्वलनशील पदार्थ असावा असा अंदाज आल्याने त्याची हँडलिंग करत असताना त्यामध्ये छोटासा स्फोट झालेला आहे। स्फोटामध्ये कोणतीही जीवित किंवा वित्तहानी झालेली नाही आहे, अशी सूचना मिळाल्याच्यानंतर या ठिकाणी आम्ही आमचं बीडीडीएस पथक, त्याचप्रमाणे आरसीपी आणि पोलीस स्टेशनचा स्टाफ, तसेच आम्ही वरिष्ठ अधिकारी यांनी या ठिकाणी येऊन सखोल चौकशी केलेली होती। आणि त्यातून असं निष्पन्न झालेलं की नाशिकवरून हे वर्ध्याला पाठवलं जाणारं पार्सल जे होतं ते ह्या पार्सल हबमध्ये आल्याच्यानंतर त्या हँडलिंग करताना त्याच्यामध्ये छोटासा स्फोट झालेला होता। परंतु हे जे काही यामध्ये स्फोटके म्हणण्यापेक्षा ज्वलनशील पदार्थ आहे, ज्याला आपण जनावरांना वगैरे घाबरण्यासाठी वापरतात अशा प्रकारचं काही पदार्थ त्यामध्ये आहेत, जसं फॉस्फरस वगैरे, त्याचा तो स्फोट होता। तर या संदर्भात आम्ही आता पंचनामा करत आहोत। त्या ठिकाणी 10 बॉक्सेस त्या पार्सलमध्ये होते आणि त्यापैकी एक बॉक्स त्या ठिकाणी एक्सप्लोड झालेला आहे। तर हे जे मायनर एक्सप्लोजन होतं, सुदैवाने यामध्ये कोणतीही हानी झालेली नाही, परंतु तरी देखील या बाबतीमध्ये पोस्टाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या जे काही रूल बुक्स आहेत त्याप्रमाणे ज्वलनशील पदार्थ पार्सलने पाठवायला मनाई आहे। असं असताना देखील ह्या प्रकारचं पार्सल या इथपर्यंत कसं काय पोहोचलं याच्याबाबत सखोल तपास करून आवश्यक पडलं तर गुन्हा दाखल करून आम्ही अधिक तपास यामध्ये करणार आहोत। आम्ही त्या पार्सलवर जो काही पत्ता होता पाठवणाऱ्याचा, तसंच ज्याला पाठवलं जाणार होतं त्याचा, त्याच्यावरून विशेषतः जे पाठवणारे आहेत नाशिकचे गृहस्थ, त्यांना संपर्क केलेला आहे। त्यांचं असं म्हणणं आहे की बाबा हा प्रतिबंधित पदार्थ नाही आहे, हा साधारणतः ग्रामीण भागांमध्ये माकडं किंवा इतर जनावरांना दूर पळवण्यासाठी वापरलं जातं ते, आणि ते त्यांचे एक परिचित इसम होते देवळी वर्धाचे, त्यांना मी पाठवलेलं होतं असं त्यांचं म्हणणं आहे। तर त्यांनी दिलेल्या माहितीचं देखील आम्ही व्हेरिफिकेशन करत आहोत। त्यांनी हे पदार्थ कुठून विकत घेतला, त्याचं काही बिल इन्व्हॉइस आहे का, तो पदार्थ बाळगण्याबाबत किंवा पोस्टाने पाठवण्याबाबत काय नियमावली आहे, या सर्व गोष्टींचा सखोल अभ्यास करून सखोल तपास करून आपण पुढील कारवाई करणार आहोत। या सर्व गोष्टींची माहिती, सखोल माहिती आपण आता घेतो आहोत। पाठवणाऱ्याचं नाव आता मी सध्या सांगू शकणार नाही आपल्याला, पण त्याबाबत अधिक डिटेल माहिती आम्ही काही वेळाने आपल्याला देऊ। धन्यवाद। ठाणे में आनंद विश्व गुरुकुल के शिक्षक वर्तमान में छात्रों के स्वागत में व्यस्त है। स्कूल बोर्ड पर स्वागत संदेश लिखा जा रहा है, स्कूल की कक्षा में किताबें बांटी जा रही हैं, साथ ही कोरोना रोग की रोकथाम के लिए कक्षा में रोग प्रतिबंध के लिए औषधि छिड़काव भी किया जा रहा है। नमस्कार, आनंद विश्व गुरुकुल मध्ये आपण मुलांचं जवळजवळ 2 वर्षांनंतर स्वागत करत आहोत। मुलांचं आपण स्वागत करायला 2 कार्टून कॅरेक्टर्स बनवलेले आहेत, मुलंच कार्टून कॅरेक्टर बनणार आहेत, त्यांचं चॉकलेट देऊन स्वागत करतो आहे आपण, आणि बँड असणार आहे ज्याच्याने मुलांना अजून उत्साह येईल स्कूलमध्ये आल्याचा। परत आपण सॅनिटायझर्स सगळीकडे केलेलं आहे, पूर्ण क्लिनिंग केलेले आहे, नवीन सगळे वाद्य आपल्याकडे तबला, कॅसिओ, हे सगळे ॲक्टिव्हिटीज आहेत, त्याच्यासाठी आपण तबला, कॅसिओ हे सगळे नवीन आणलेले आहेत, सगळ्या खेळणी क्लीन करून घेतलेले आहेत, त्याच्यामुळे मुलांना खेळणी दिल्यावर अजून उत्साह येईल की स्कूलमध्ये काहीतरी एक वेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज वगैरे ह्याचा। डोंबिवली पश्चिम रेल्वे मैदान में कल दोपहर करीब एक शव मिला। पुलिस से अपील की गई कि व्यक्ति की हत्या क्यों और किसने की, इसकी जांच कर आरोपी तक पहुंचे।
लाश के सिर पर लकड़ी के तख्ते से वार किए जाने के निशान थे। विष्णुनगर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान विष्णुनगर पुलिस ने मौके पर मिली टोपी के आधार पर जांच शुरू की। खबरियों द्वारा दी गई जानकारी और सीसीटीवी कैमरे में टोपी पहने इसम की तलाश की गई। उसने दी जानकारी के अनुसार वो और मृत व्यक्ति एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। वह रोज शराब पीने के समय एक मैदान में मिलते थे। पुलिस के सामने असली आरोपी को पकड़ने की चुनौती थी, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी का पता लगाया और उसे पकड़ लिया। आरोपी अर्जुन मोरे पुलिस के डर से कोल्हापुर भागने की तैयारी में था, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। एपा काल जो बावनचाळ क्रिकेट मैदान या ठिकाणी जो मर्डर झालेला होता, एका अज्ञात 40-45 वर्षाच्या पुरुषाचा मर्डर झालेला आहे। आम्ही ताबडतोब त्या ठिकाणी छान असं टीमवर्क केलेलं आहे। कोणत्याही प्रकारचा क्ल्यू नव्हता, आरोपीकडे कोणत्याही प्रकारचे पुरावे भेटलेले नसताना इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाईल किंवा इतर काही गोष्टी अशा कोणत्याही प्रकारचे धागेदोरे नसताना त्या ठिकाणच्या फक्त त्या ग्राउंडवर येऊन दारू पिणारे वगैरे अशा प्रकारचे शोधून त्या माहितीच्या आधारे आमच्या DCP गुंजाळ साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच रिजन श्री दत्तात्रय शिंदे सर व गुंजाळ सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही या गुन्ह्याचा तपास केला। पोलीस स्टेशनचे श्रीयुत भालेराव सर आणि टीम यांनी खूप सुंदर पद्धतीने मिळालेल्या माहितीप्रमाणे आम्ही या गुन्ह्याच्या उकलीपर्यंत पोचलो आणि हा गुन्हा उघडकीस आणलेला आहे। या ठिकाणी घटनास्थळावर एक टोपी मिळालेली होती। त्या टोपीच्या आधारे साक्षीदारांकडून टोपी घालणारा व्यक्ती या ठिकाणी कोण येऊन राहत असतो, कोण त्या ठिकाणी दारू पितो, त्याचा शोध घेतल्यानंतर तो मिळून आल्यानंतर त्या साक्षीदाराने आम्हाला सदरचा खून कोणी केलेला आहे याची साक्षीमध्ये माहिती दिली आणि सदरचा खून हा अर्जुन आनंद मोरे या व्यक्तीनं केलेला आहे आणि त्याप्रमाणे आज सदर आरोपीला कोर्टात हजर करून त्याचं रिमांड घेऊन पुढील रीतसर कारवाई, त्याचे कपडे कुठे टाकलेले आहेत, आणखीन काय पुरावे आहे, या सर्व गोष्टी आम्ही आता तपासाअंती करत आहेत। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी ने दिल्ली में NCP प्रमुख शरद पवार से उनके घर जाकर मुलाकात की है। सूत्रों से पता चला है कि इस दौरान दोनों नेताओं ने राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा की है। ये बैठक करीब 20 मिनट चली। बैठक को लेकर शरद पवार ने ट्वीट कर लिखा कि ममता बॅनर्जी ने आज दिल्ली में मेरे आवास पर मुझसे मुलाकात की। हमने अपने देश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गैर भाजपा दलों की बैठक के लिए मंगलवार को दिल्ली पहुंची थी। आगामी राष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त रणनीति तैयार करने के मकसद से बॅनर्जी ने 15 जून को बैठक बुलाई है, जिसमें विपक्षी दलों के नेताओं से शामिल होने का आग्रह किया है। इसे लेकर उन्होंने पिछले हफ्ते विपक्षी दलों के 22 नेताओं और मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में कांग्रेस के शामिल होने की संभावना है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और रणदीप सुरजेवाला इस बैठक में पार्टी की ओर से शामिल हो सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बॅनर्जी द्वारा यह बैठक दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में होगी। वर्धा जिले के आरवी शहर में नागरिकों को सड़क के लिए ठिया आंदोलन करना पड़ा। आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस ने किया था। पूर्व विधायक अमर काले समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने आरवी के टी पॉइंट स्क्वायर पर ठिया आंदोलन किया। आरवी से तालेगांव राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 2 वर्षों से ठप है, जिसे परेशान होकर नागरिकों ने विभिन्न आंदोलन शुरू कर दिए है। कई संगठनों ने ऐसा किया है, लेकिन यह सड़क पूरी नहीं हुई है। अब बारिश हो रही है और यही एकमात्र रास्ता है और जिन्हें यहाँ जाना है वे एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। पूर्व विधायक अमर काले के नेतृत्व में कांग्रेस ने धरना दिया और मार्ग को तत्काल पूरा करने की मांग की। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि तीव्र आंदोलन होगा। जवळपास मागील 3 वर्षापूर्वी राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आणि त्यावेळचे बांधकाम मंत्री माननीय नितीनजी गडकरी साहेब यांच्या शुभ हस्ते 3 वर्षापूर्वी आरबी तळेगाव या रस्त्याचं भूमिपूजन संपन्न झालं होतं। आणि लांबी जर पाहिली आपण या रस्त्याची तर अवघी 12 किलोमीटर आहे, परंतु आता त्या भूमिपूजनाला 3 वर्ष पूर्ण होऊन गेलेले आहेत, परंतु अजूनपर्यंत या रस्त्याचं काम हे पूर्ण झालेलं नाही।
अजूनही लोकांचे खूप अपघात त्या रस्त्यावर झाले, अनेक लोकांना अनेक व्याधी त्या रस्त्यामुळं निर्माण झालेले आहेत, अनेक लोकांचे हेल्थ प्रॉब्लेम नव्याने निर्माण झालेले आहे. आणि आष्टी कारंजा या तालुक्यातल्या लोकांनासुद्धा आर्वीला येण्याकरता तो महत्त्वाचा रस्ता आहे. त्यामुळं आर्वी विधानसभा मतदारसंघाच्या दृष्टीनेच तो अतिशय महत्त्वाचा रस्ता आहे आणि अवघा 12 किलोमीटरचा रस्ता आहे. तो रस्ता तातडीनं पूर्ण व्हावा याच्याकरता आजचं हे युवक काँग्रेसच्या माध्यमातून चक्का जाम आंदोलन होतं. खबरों के सिलसिले में वक्तों चला एक ब्रेक का मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बार बार उठो बैठो, उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. के बाद आपका स्वागत है. आज यानी 14 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा यानी वट पूर्णिमा हर साल मनाई जाती है, लेकिन इस साल पूर्णिमा सुपर मून के रूप में दिखाई देगी. आज हम जो चांद देख रहे हैं वो 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला होगा. इस साल चंद्रमा के पृथ्वी के निकट आने से ये सुपर मून अन्य पूर्ण चंद्रमाओं की तुलना में बड़ा और चमकीला दिखाई देगा. इस बात की जानकारी वरिष्ठ खगोल शास्त्री सोमन ने दी है. इस साल की ज्येष्ठ पूर्णिमा सुपर मून के रूप में दिखाई देगी. जैसे ही चंद्रमा इस साल पहली पूर्णिमा को पृथ्वी के पास आएगा, यह सुपरमून अन्य पूर्ण चंद्रमाओं की तुलना में 14% बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देगा. इसलिए खगोलविदों के लिए यह वरदान साबित होने वाला है. यह सुपरमून ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात यानी 14 जून को पूरी रात दिखाई देगा. इसके अलावा इस सुपरमून को आँखों से देखा जा सकता है, इसलिए इस सुपरमून को पूरी रात देखने का अवसर न चूके. वरिष्ठ खगोल शास्त्री ने यह अपील की. चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 384,000 किलोमीटर दूर है. हालांकि इस साल की ज्येष्ठ पूर्णिमा पर यह चंद्रमा 357,434 किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी के करीब आएगा, इसलिए यह सुपरमून अन्य पूर्णिमाओं की तुलना में 14% बड़ा और 30% अधिक तीव्र दिखाई देगा. साथ ही अगले महीने आषाढ़ी पूर्णिमा को भी इस सुपरमून को देखने का मौका मिलेगा, लेकिन चूंकि जुलाई है बारिश के दिन होंगे, जैसा कि बादल मौसम के कारण कुछ स्थानों पर चंद्रमा दिखाई नहीं देगा. सोमन ने कहा आज रात इस सुपरमून को देखना न भूले. नमस्कार मित्रांनो, या वेळची ज्येष्ठ पौर्णिमा सुपरमून घेऊन आलेली आहे, कारण मंगळवार 14 जून रोजी संपूर्ण रात्रभर आकाशामध्ये आपल्याला सुपरमून दिसणार आहे. आपल्याला माहिती आहे की चंद्र पृथ्वीपासून सरासरी 384,000 किलोमीटर अंतरावरती असतो, आणि पौर्णिमेच्या रात्री जर चंद्र पृथ्वीच्या जवळ आला तर तो आकारानं 14% मोठा आणि 30% जास्त प्रकाशित दिसतो.
आणि तसा योग सुपरमून दिसण्याचा मंगळवारी 14 जून रोजी ज्येष्ठ पौर्णिमेच्या रात्री आलेला आहे. संपूर्ण रात्रभर आपल्याला दिसणार आहे. या ज्येष्ठ पौर्णिमेला चंद्र पृथ्वीपासून 357,434 किलोमीटर अंतरावरती येणार आहे. भारतीय संस्कृतीमध्ये सौभाग्य को विशेष महत्व है. पतिव्रता महिलाएं और उनके पति मंगला गौरी से लेकर अंत तक त्योहार मनाते हैं. रंगा पर नेता सांसद सुप्रिया सुले ने आज अमरावती में महिलाओं के साथ वट पूर्णिमा का पूजन किया. सुप्रिया सुले ने बरगद का पूजन कर वट पूर्णिमा मनाई. वट सावित्री के अवसर पर सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र की परंपरा उखाने में अपने पति का नाम लिया, जिसके बाद बाकी महिलाओं ने भी अपने अपने पतियों का नाम लेते हुए वट सावित्री मनाई. अपने कर्तव्यों का पालन करते करते पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए वर्धा में पुलिस महिलाओं ने थाने के परिसर में खड़े सुंदर बरगद के पेड़ की परिक्रमा कर अपने पारिवारिक कर्तव्य का निर्वाह किया. पुलिस महिलाएं खाकी वर्दी में वट पूर्णिमा मनाने पर गर्व महसूस कर रही है. वट पूर्णिमा के दिन शादी में बंदी गांठ को बनाए रखने के लिए महिलाएं बरगद के पेड़ की प्रदक्षिणा करती है और रेशम के धागों को पेड़ से बांधती है. वृक्ष की पूजा मतलब पर्यावरण की पूजा है, लेकिन कोरोना के समय में यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या ड्यूटी पुलिस और ड्यूटी कर रही महिलाओं को अपने दोनों कर्तव्यों का पालन कैसे करना चाहिए. आखिर पुलिस महिलाओं ने थाने के परिसर में खड़े सुंदर बरगद के पेड़ की परिक्रमा कर अपने पारिवारिक कर्तव्य का निर्वाह किया. वर्धा नगर थाना एवं रामनगर थाना की महिला पुलिस कर्मियों ने वट पूर्णिमा को न्यायोचित ठहराते हुए पतिव्रत धर्म के अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया. शहर व रामनगर थाने की महिला पुलिस कर्मियों ने थाने परिसर में बरगद के पेड़ की पूजा की. कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए हमने परंपरागत रूप से एक भारतीय महिला के रूप में बरगद के पेड़ की पूजा की है, एक महिला पुलिस अधिकारी ने कहा. हम एक तरह से खाकी वर्दी में वट पूर्णिमा मनाने पर गर्व महसूस कर रहे हैं. मी एसआय सुनीता ठाकरे, पोलीस स्टेशन रामनगर. पोलिसांना प्रत्येक सण साजरा करता येत नाही, परंतु आम्ही कर्तव्यावर हजर असताना सुद्धा दरवर्षीप्रमाणे वडाची पूजा करण्याकरिता आम्ही इथे एकत्रित हजर झालेलो आहे. आणि आज आम्ही वडपूजा सगळ्यांनी मिळून केलेली आहे महिलांनी. आणि प्रत्येक वेळेस पोलीस बिझी असतो आणि त्याला देवधर्म पूजा हे करता येत नाही, सण त्योहार करता येत नाही, परंतु आम्ही ठरवलं की आज वडपूजा करायची. आम्ही सगळ्या भगिनींनी आज वडपूजा करून आमचे कर्तव्य पार पाडलेले आहे. आज वट पौर्णिमा आहे और महिलाएं इस पर्व को बड़े उत्साह के साथ मना रही है. महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए बरगद के पेड़ की पूजा कर व्रत रखती है. इस अवसर पर पीपल और बरगद के पेड़ और अन्य पेड़ अलग अलग जगहों पर लगाए गए और इसे बचाने के प्रयास भी किए जाएंगे, इसका भरोसा सहायक पुलिस निरीक्षक मेघाली गावंडे ने दिया है. इस समय कार्यालय पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस निरीक्षक सविता कावेरे, स्मिता महाजन, शाहिन शेख, तारा तकसांडे, मीनाक्षी सागर, शुभांगी जाधव मौजूद रही. पूजे वट सावित्रीच्या निमित्ताने आज प्रत्येक महिला म्हणजे महिला वर्ग जे विवाहित महिला आहे त्या वटाची पूजा करून आपल्या सौभाग्याचा सण मानला जातो हा, आणि त्यासाठी हा सण मनवतात. परंतु आम्ही पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील महिला आणि कर्मचारी तसेच ACF शफकत आमना मॅम आम्ही सगळ्यांनी मिळून हा निर्णय घेतला आज की आपण वटाची पूजा करण्याऐवजी वडाचे झाड तसेच पिंपळाचे झाड आणि जांभळाचे झाड वगैरे असे मोठे जे 24 तास ऑक्सिजन देतात असे झाड लावून पर्यावरणाचे संरक्षण करू असा संदेश आम्ही सगळ्या महिलांना पण देऊ इच्छितो. आणि आम्ही स्वतः तो सगळ्या आमच्या कृतीतून साध्य करण्याचा आज प्रयत्न केलेला आहे. पर्यावरणाच्या चांगल्या दृष्टिकोनातून पर्यावरणाच्या चांगल्या समतोल राखण्याच्या दृष्टिकोनातून एक पाऊल आम्ही टाकलेलं आहे. बुलढाणा स्थित शासकीय विश्रामगृह के अजेंठा भवन के स्टोर रूम में कोबरा साप मिलने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. इस समय तुरंत सर्पमित्र श्रीराम रसाड़ इन्हें बुलाकर साप को रेस्क्यू कर पकड़ा गया. कोबरा सांप को सर्पमित्र की मदद से सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया गया, जिसकी वजह से सांप को तथा कर्मचारियों में से किसी को कोई हानि नहीं हुई. उसके बाद विश्राम गृह के कर्मचारियों का डर दूर हो गया. गवर्नमेंट रेस्ट हाउस के आसपास सरकारी अधिकारियों के आवास है, जहां कई बार सांप निकलते हैं और इससे क्षेत्र में भय का माहौल बन जाता है. रात में भी जब रेस्ट हाउस का स्टाफ काम कर रहा था, स्टोर रूम में एक कोबरा सांप देख कर्मचारी डर गए थे. यह लगभग 3 फीट लंबा है और एक विषैली प्रजाति है, उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाएगा. तो वीकेवी न्यूज के प्राइम टाइम में आज इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेवी न्यूज. नमस्कार.